हेलो दोस्तों, तो अब आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि किस तरह से मतलब डीलर से आपने इतना सेव किया है, जो 20 से 25 हज़ार रुपये। तो आज हम पूरा बताएंगे। हमारे साथ ओनर भी हैं, तो उनसे डायरेक्ट बात करवाएंगे किस तरह से उन्होंने सेव किया है, कैसे किया है। शमशेर सिंह माई फ्रेंड, और इसने गाड़ी ली है अभी ये। तो अब हम बताते हैं मतलब किस तरह से, डायरेक्ट इनसे ही सुन लो कि उन्होंने कैसे क्या किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से पूछते हैं, जैसे बुक कराई थी तो उस टाइम पे हमने क्या डिस्कस किया था डीलर्स के साथ में, और उस टाइम पे कितने की गाड़ी हमें पड़ रही थी। जब स्टार्टिंग में बुक कराई थी तब 11,000 रुपीज़ बुकिंग के हमने दिए थे, और उसके अलावा 8,54,000 समथिंग ऑन रोड पड़ रहा था। और उसमें हमने 4 तारीख को किया था, इसलिए हमें जो भी नॉर्मल प्राइजेस थे वही मिले थे। तब बता रहे थे कि जल्दी बुक कर लो, प्राइजेस बढ़ने वाले हैं। तो हमने, मैं जैसी लॉन्च हुई थी उसके अगले दिन हमने बुक कराई। 3 तारीख को बड़ौदा में लॉन्च हुई थी रवि जी, तो हमने 4 तारीख को कराई थी। तो 4 तारीख को 11,000 रुपीज़ भरे थे। तब हमने बात की थी कि इंश्योरेंस हम, मैं, रवि भाई भी मेरे साथ थे, हमने उनको बोला था कि इंश्योरेंस हम लोग हमारा लेंगे। तो तब उस जो सेल्समैन था उसने बोला कि ठीक है वो तो सेम ही पड़ेगा, उसने ऐसा बोल दिया। तो हमें इंश्योरेंस लेना था, तो जब सब पूरा मतलब पेमेंट हो गया, लोन प्रोसेस हो गया, मैंने बैंक लोन लिया था, लोन प्रोसेस हो गया और डाउन पेमेंट भरने गया, तब उन्होंने बोला कि डाउन पेमेंट इतनी है पूरी जो उनकी बताई थी। तो मैंने उनको बोला कि इंश्योरेंस हम बाहर से कराने वाले हैं, तो बोले ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपको इंश्योरेंस डीलर से ही कराना पड़ेगा। तो तब हमारी गलती थी कि हमने स्टार्टिंग में बात नहीं की रवि भाई कि हमें इंश्योरेंस बाहर से एक्चुअली बात की थी, पर उसने भी कैसा बोला, हाँ आप यहाँ से करवाओ, बाहर से कराओ, सेम पड़ेगा। उस टाइम पे उसने क्लियर ऐसा नहीं बोला था कि हाँ आप बाहर करा सकते हो। हमारी भी गलती ये थी कि हमने क्लियर उससे किया नहीं उस टाइम पे। हमें लगा मतलब नॉर्मली दूसरे डीलर से हम करवाते हैं तो यहाँ पे भी ये लोग प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और जिससे इंश्योरेंस कराना था हमारा फैमिली का बंदा था, तो फैमिली के सारे इंश्योरेंस देखता था, उसी को जवान दे चुके थे काइंड ऑफ। तो उसके बाद हमने बोला कि इंश्योरेंस हमको बाहर से चाहिए एंड ऑल। तो फिर मैंने निशान को कंप्लेन किया निशान कंपनी में, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मेरे को रिस्पांस दिया निशान ने। विद इन 2 आवर्स उन्होंने मेल का रिस्पांस दिया, और विद इन 12 आवर्स उन्होंने मुझे उनके रिप्रेजेंटेटिव का नंबर दिया जो निशान कंपनी से, डीलर का नहीं, डीलर तो अलग होते हैं, निशान जो कंपनी का था उसका नंबर मेरे को मिल चुका था। विशाल करके कुछ उसका नाम था, जो निशान का रिप्रेजेंटेटिव बड़ौदा से। तो उससे बात हुई, तो उसने भाई बात की डीलर से कि ऐसे आप नहीं फोर्स कर सकते कस्टमर को कि इंश्योरेंस हमसे लो एंड ऑल। तो फिर डीलर मान गया कि आप बाहर से ले लो। फिर वो डीलर काइंड ऑफ मतलब बोलने लगा कि आप बाहर से लोगे तो क्लेम का फॉर्म तो हमें ही भरना है, वो काइंड ऑफ न्यूसेंस करने लगा कि हमसे ही लो। मतलब ऐसा बोल रहा था कि जैसे अगर आप बाहर से लेते हो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, अगर आप सर्विस के टाइम पे करोगे तो आपको डायरेक्टली बाहर से करेगा, हमको हेल्प नहीं करेंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगा, और फिर उसने काफ़ी अच्छा मतलब डिस्काउंट भी दिया, बोला इतना हम डिस्काउंट दे देंगे और सर्विस और ऐड कर देंगे, आपको एक्स्ट्रा दे देंगे कुछ। तो मतलब फिर हमें भी ऐसा लगा कि चलो ठीक है, बाहर से ले रहे हैं, हमें 29 में पड़ रहा था 30 में, अब ये लोग यहाँ से दे रहे हैं 40 में दे रहे थे, वो लोग 40 में दे रहे थे। तो लास्ट टू लास्ट उन्होंने कितना डिस्काउंट किया था, 37 कर दिया था, 3,000 का डिस्काउंट कर दिया। हाँ, लास्ट में 3,000 उसमें इंजन कवर की लॉस सब कुछ था। हाँ, फ्लड इंजन फ्लड इफेक्ट मतलब ये सारे क्लेम्स मतलब एड ऑन कर दिए थे। तो फिर हमें भी लगा कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम, और खुद डायरेक्ट मतलब उसका जो हेड मैनेजर था डीलर का, वो इधर उधर भाग रहा था, बहुत मतलब एकदम से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट जैसी हो गई थी वहाँ पे। तो इस वजह से फिर हमने भी सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 हज़ार की बात है, चलो यहीं से करवा लेते हैं। और दूसरे हमने बताए थे पैसे लॉजिस्टिक्स में, लॉजिस्टिक चार्जेस आपको शायद पता नहीं, नए बिल्स में आपको बताया कि नहीं, जो स्टार्टिंग में 4 तारीख को बुक की थी हमने तब 8,000 रुपये लॉजिस्टिक चार्जेस था, जो कि उनका हैंडलिंग चार्जेस होता है गोदाम से यहाँ से लाने का, पेट्रोल भरने के पैसे लेते हो आपसे। तो वो मैंने फिर कंप्लेंट की निशान में सेम चीज़ की, तो वो भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया निशान में। इसमें निशान ने तो रवि भाई बहुत हेल्प की है, निशान का तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, विद इन 2 आवर्स उन्होंने रिस्पॉन्स दिया। अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो निशान इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट से आप कांटेक्ट करो, तो वो लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन देते हैं। डीलर्स का कैसा रहता है, डीलर्स आपसे जितने ज़्यादा हो सके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं वो लोग, तो वहीं आप लॉजिस्टिक चार्जेस बचा सकते हैं। और
और फिर सेकेंडरी हमने कोई एसेसरीज भी नहीं ली थी ना, एसेसरीज भी नहीं ली हमने, तो एसेसरीज का किट का कितना 26,000 था राइट, तो 26,000 वो सब, और मतलब और एक्स्ट्रा जो उनके गोल्डन प्लान वो सब होते हैं वो कुछ भी नहीं लिया था। आपको कुछ नहीं लेना है, आपको आपको सिर्फ क्या करना है, गाड़ी अगर आपने अगर बुक कराने वाले हो तो आप गाड़ी बुक कराइए, उसी टाइम पे उनको बोल दीजिए कि हमें इंश्योरेंस बाहर से लेना है, अगर आप बाहर से इंश्योरेंस अलाउड करेंगे तो ही हम आपके यहाँ से गाड़ी बुक कराएंगे, क्योंकि बाहर से इंश्योरेंस का और कंपनी से उनके डीलर से पास से लेने में 10,000 से 12,000 का डिफरेंस होता है। और ये भी सिर्फ उनके लिए जिन्होंने बुकिंग नहीं कराई है, जिन्होंने बुकिंग करा दी है वो आप नेगोशिएट करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको डिस्काउंट के बदले रिलेशन ख़राब होगा वो सब होगा, उससे अच्छा पहले से बात कर लो। जिन्होंने बुकिंग नहीं की है वो पहले टर्म एंड कंडीशन रख देना कि मेरे को इंश्योरेंस बाहर से कर, तब डीलर अगर ना बोलता है तो आप निशान को फ़ोन करना कि मेरी बुकिंग डीलर नहीं कर रहा है और मेरे को बुकिंग करवा के दो और मेरे को इंश्योरेंस बाहर से लेने से मना कर रहा है, तो निशान आपको हेल्प करेगा बुकिंग में भी और तभी आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भी आप सॉल्व अपनी कर लेना डीलर के साथ की इंश्योरेंस आप बाहर से लोगे, तो इस लॉजिस्टिक में आप मिला के कुछ 15-20,000 के बीच में कुछ आप बचा लोगे इस चीज़ में। तो ये सब मतलब ऐसा अगर थोड़ा सा आप अच्छे से काम करोगे मतलब बातचीत करोगे तो आपको 20,000 जैसा बच सकता है, अगर इंश्योरेंस भी आप बाहर से लेते हो तो आपको लगभग 30,000 तक आपको सेव हो सकते हैं। तो ये और वहाँ से कोई भी गोल्डन प्लान या उनका एक्सटेंडेड AMC जो प्लान्स होते हैं वो कुछ नहीं लेने के, तो गाड़ी जो वारंटी देती है 2-3 साल की बस वो इनफ होती है, उसके अलावा 5 साल का गोल्डन प्लान बोलेंगे उसका बोल के आपको 15,000 चार्ज करेंगे, एक्सेसरीज किट में 26,000 से 26,000 जो कि आप बाहर से कराएंगे तो काफ़ी सस्ता हो सकता है। तो इसलिए कुछ भी नहीं गाड़ी मतलब अगर डीलर से गाड़ी लेनी एकदम स्टॉक गाड़ी लेने की मतलब ओनली इंश्योरेंस कराने का और जो उसके चार्जेस BMC चार्जेस वगैरह वो सब होते हैं। तो BMC चार्जेस अपने को कितना लगा था? BMC चार्जेस मैग्नेट का वडोदरा में 11,800 रुपीज़ आया था XV नॉन टर्बो प्रीमियम मॉडल का। ओके तो ये एक्स्ट्रा रहेगा मतलब ये चीज़ हमें भी नहीं पता था एक्चुअली इतना महंगा हो सकता है, इतना महंगा एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ तो अगर किसी ने टर्बो कराई है तो अराउंड 1500 और लग गया, तो उसका अराउंड 13,000 जैसा। वो डिपेंड करता है आपके गाड़ी की जो टोटल जो बिल होता है उस पर डिपेंड करता है BMC जो भी चार्जेस होते हैं, कुछ परसेंट होता है ना राइट उनका। हाँ कुछ परसेंटेज था बताया था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, बट 11,800 रुपीज़ 8,48,000 वाली गाड़ी में लगा था। तो मतलब टर्बो की आपकी 8,59,59.5 की पड़ेगी, तो आपको अराउंड 13,300 का वो पड़ेगा। ओके VMC टैक्स वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का राइट। तो अभी आप ये बताइए कि मतलब आपको फाइनली ये गाड़ी कितने में पड़ी है? फाइनली मेरे को ये गाड़ी पड़ी है 8,40,000 में। ओके विद BMC टैक्सेस? विदाउट BMC टैक्स। विद BMC टैक्सेस 8,52,000। ओके विदाउट BMC टैक्सेस 8,40,000 में पड़ी है। इस तरह से जैसे हमने बताया कि इस तरह से हमने सेव किया, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो अगर, क्योंकि हमारा लगभग 7,000 to 8,000 फिर भी हमारा ज़्यादा गया है उसमें, क्योंकि हमने एसेसरी किट्स भी उनसे लिए जो जो नॉर्मल किट आती है मैट जो आता है। हाँ ऐसे नॉर्मल उनकी किट आती है 2,200-2,300 रुपये का प्लान आता है, तो वो भी हमने वहीं से लिया था। और इंश्योरेंस में थोड़ा 6,000-7,000 एक्स्ट्रा फिर, क्योंकि वो जो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, और ये बाहर अभी कनाडा चला जाएगा थोड़े टाइम में, तो गाड़ी अंकल चलाते हैं तो अंकल को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे वो, इसीलिए क्योंकि तो, मैंने यहाँ पे रहना नहीं था, तो मैं चाहता नहीं कि सर्विस सेंटर वाले पापा को प्रॉब्लम करे बाद में, क्योंकि आप उसने क्लियर कट मेरे को बोल दिया था कि आप बाहर से करा लो, फिर उसने ऐसा मतलब वो सार्कास्टिक टोन में बोला कि क्लेम का फॉर्म तो मैंने ही भरना है ऐसे, मतलब धमकी टाइप दे रहा था। फिर हमने भी सोचा कि फिर निशान से फ़ोन भी आया कि मतलब सब कुछ सॉल्व हुआ आपका, फिर हमने भी उनको सब कुछ बताया तो उन्होंने भी बोला ठीक है अभी जैसा है आप निपटा लीजिए मतलब आपस में तो सही है, और वो भी वहाँ से फ़ोन से क्या कर सकते हैं, इवन ये लोग उसको भी मना कर रहे थे, उससे भी मतलब इसी टोन में बात कर रहे थे कि नहीं हो सकता मतलब, तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रही थी इस वजह से फिर हमने सोचा चलो ठीक है 5,000-6,000 की कोई बात नहीं, इतना तो हो गया है। लॉजिस्टिक चार्जेस तो हमारे कम हुए थे, कितना? लॉजिस्टिक 8,000 रुपये कम हुए, 8,000 रुपये। एंड खासकर आपको याद रखना है लॉजिस्टिक चार्जेस किसी भी कंपनी को कोई भी गाड़ी का नहीं देना है आपको, अगर वो आपको चार्ज कर रहे हैं तो आप या तो ऑफिशियल मतलब उसकी वेबसाइट पर आप कंप्लेन करो या तो डीलर को ही मना करो, तो आप वो चार्जेस हट जाएंगे, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाने का, तो आप पैसे बचा सकते हैं। अदरवाइज तो
शोरूम वाले तो लूटने को बैठे हैं, आपको चेपेंगे ही, मतलब एक्स्ट्रा AMC लगा देंगे, फिर ये ले लो वो ले लो, आपका बिल कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये ये लोग एक्स्ट्रा बढ़ा ही देते हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा निसान के साथ में? निसान के साथ तो मेरे को निसान वालों ने भी पूछा, कॉल सेंटर वालों ने भी, कितने स्टार दोगे डीलर को? डीलर को तो मैंने उनको बोला था माइनस में दे दो, लेकिन उन्होंने बोला कि मिनिमम 1 देने को बोला, माइनस 10 दे दो, माइनस 10 दे दो। तो मैंने 1 दिए थे 10 में से। तो एक्विटी शोरूम जो है अपने बड़ोड़ा में वो अच्छा नहीं था उनका, बाकी डिलीवरी बहुत अच्छे से की थी उन्होंने भाई, डिलीवरी का तो प्रोसेस अच्छा था, प्रोसेस अच्छा था वो। आई थिंक इनको थोड़ा पोलाइटली कस्टमर के साथ रहना चाहिए, क्योंकि अभी उनका पहला प्रोडक्ट ऐसा है जितना इसका जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उस हिसाब से इनको मतलब थोड़ा और पोलाइट हो जाना चाहिए कि हमारा गाड़ी का जो हमारी एक लास्ट होप है जो निसान की, कि इस वजह से अगर इतना अच्छा रिस्पॉन्स है तो हमें कस्टमर के साथ में और भी ज़्यादा पोलाइट हो जाना चाहिए। तो देखते हैं अभी निसान आगे क्या क्या करती है। बाकी निसान की तरफ से पूरा सपोर्ट था, डीलर्स के यहाँ की तरफ से यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। रवि भाई शायद कंपटीशन नहीं है डीलर का बड़ोड़ा में, एक ही डीलर है इसलिए। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि हमारे सिटी में यहाँ पे कोई दूसरा डीलर नहीं है निसान का, ओनली 1 डीलर है और उस पर हैवी बुकिंग है, मतलब अक्रॉस मतलब 400+ वहाँ पे बुकिंग, 400+ बोला था उसने, 400+ बुकिंग एक ही शोरूम से हुई है मैग्नाइट पे। तो इस वजह से भी शायद वो लोग थोड़ा मतलब इस तरह सा एटीट्यूड आ गया हो, क्योंकि कंपटीशन है नहीं, तो इस वजह से। अभी गाड़ी का रिस्पांस कैसा लग रहा है मतलब आपको चलाने में? तो रवि भाई वही है कि बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन टर्बो इंजन इसलिए थोड़ा सा लैग फील होता है, लेकिन वही है कि जितने पैसे डालोगे उतना वही मिलेगा। बराबर टर्बो ले सकता था, लेकिन टर्बो डैड के मॉम डैड के लिए थी, तो डैड इतने एंथुजियास्टिक ड्राइवर है नहीं, तो उनको नॉन टर्बो ही चलेगा। तो मेरे को भी, मैंने भी यहाँ पे रहना नहीं है, तो उस हिसाब 6 महीने के लिए मैं यहाँ पे होता हूँ, फ्लैट के लिए लिए। अंकल का कैसा, जॉब पे जाना घर आना, पर इससे ज़्यादा सिटी वगैरह में थोड़ा बहुत काम हो घूमना फिरना, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो उसके लिए बेस्ट है अगर आप सिटी के लिए ले रहे हो। हाईवे के लिए भी रवि भाई अभी आए थे हमने, अभी हमने इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, जो किया तो उस हिसाब से हाईवे पे ओके है, मतलब ओके ठीक है। स्टेयरिंग बहुत अच्छा है, स्टेयरिंग का कंट्रोल बहुत सुपर है, ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, रोड प्रेजेंस भी गाड़ी का अच्छा है, मतलब अच्छा। बड़ा फील होता है, मतलब हैवी फील होता है, जो फील होता है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको स्विफ्ट या i20 वगैरह ये सब मिलते हैं, इस प्राइस रेंज में अब इस टाइप की गाड़ी मतलब एक्सपेक्ट करना मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो रोड प्रेजेंस काफी अच्छा देता है और बड़ी लगती है, मतलब मस्कुलर काफी लगती है, बड़ी लगती है। उसका एग्जांपल दे दूं, मेरे फ्रेंड के ऑफिस में गया था रवि भाई, हाँ। तो उसका फ्रेंड का जो कलीग था उसको पूछ रहा था नई क्रेटा कौन लाया बाहर, ओके तो like... समझ लो कि दूर से उसको क्रेटा लग गई थी, तो समझ लो कि कितनी बड़ी गाड़ी है, ओके इस हिसाब से। हाँ तो और अभी माइलेज वगैरह कैसा चल रहा है? माइलेज स्टार्टिंग के जो उसने दिए हैं 300 अभी मैंने चलाई है, टोटल कितना किलोमीटर चल रन हो गई? मैंने 360 टोटल कितने किलोमीटर चल गई है? 369 किलोमीटर चल गई रवि भाई। और इसमें जो मेरे को माइलेज इसमें स्टार्टिंग में 100-150 किलोमीटर में दी है वो करीबन 8 या 7 या 8 की थी, ओके और अब 300 पे पहुंचने के बाद ये सिटी में मेरे को 14 या 15 दे रही है इसमें जो शो कर रही है, और जो मेरे को खुद से लग रहा है ये 12 या 13 के करीब दे रही है, राइट तो शो ऑब्वियसली ज्यादा ही कर रही है आई थिंक, क्योंकि मेरे को लगता नहीं है। और सेकेंडली माइलेज हाईवे पे ये 20 दे रही है, 18-20 दे रही है हाईवे पे, जब तीसरे चौथे गियर पे कंटिन्यू चलते हो तो इसने आराम से मेरे को 18। तो माइलेज का ऐसा रहता है क्योंकि अभी नई गाड़ी है, थोड़ा रन होगी अच्छा मतलब सब कुछ रहेगा, तब थोड़े से टाइम के बाद में एक्चुअल माइलेज का निकल के आएगा, तो और डिपेंड करता है मतलब ड्राइविंग के हिसाब से भी, क्योंकि अभी भाई ने अभी गाड़ी सीखी है और अभी पापा को भी अभी सिखानी है, राइट अभी सिखानी है, आती है उनको पर काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया है, तो इस वजह से अभी फिर से उनको सिखाना पड़ेगा। अब ये तो हुई इसकी पॉजिटिव, तो अब इसमें आपको क्या मतलब प्रॉब्लम्स क्या फील हो रही है, मतलब ऐसा कुछ तो नेगेटिव पॉइंट्स होंगे इस गाड़ी के, तो वो क्या है मतलब नेगेटिव पॉइंट? रवि भाई इसका क्लच जो है, क्लच मेरा पैर हमेशा ऐसा रहता है ऐसा, तो मेरा जो ये चीज़ है एंकल, ये पेन करने लगे हैं, राइट क्योंकि सिटी में मैं कल अराउंड आधा पौना घंटा चलाई थी तो मेरे ये पेन कर रहे थे एंकल्स, राइट क्योंकि इसका पैर हमेशा ऐसा रहा मेरा 45 डिग्री में, इसमें डेड पैडल भी नहीं है, okay. और सिटी में इसका जो क्लच टाइमिंग है बहुत लंबा है, तो मेरे को वहाँ से हटा भी नहीं सकते और रेस्ट करने के लिए डेड पैडल ही नहीं है, okay. तो बहुत पेन किया मेनली, मतलब मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है क्योंकि ये एक SUV टाइप में है, तो SUV में कैसा होता है हम ऐसे स्ट्रेट बैठते हैं, तो जैसा हमारा पैर का जो एंकल होता है वो 45 डिग्री पे रहता है, और मेन चीज़ यहाँ पे कैसा डेड पैडल भी नहीं दिया है, तो जिसकी वजह से हम पैर को थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं,
और दूसरी चीज़ जो क्लच और ब्रेक का जो गैप है वो आई थिंक कभी कभी तुझे प्रॉब्लम करता है, राइट? उसमें शूज फंस जाता है, हाँ उसमें रेस और इसमें फंसता है, रेस और एक्सीलेटर और ब्रेक में ना, हाँ एक्सीलेटर और ब्रेक में फंसता है। उसमें एक्चुअली कैसा उसकी गैप जो है काफ़ी कम दी है, तो मतलब उसमें कभी कभी जैसे ध्यान ना दो तो बीच बीच में जो गैप होती है उसमें पैर चला जाता है तो फंस जाता है शूज़, मतलब तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। और negative? और अभी भाई बाकी तो ठीक है, बस वो एवरेज का प्रॉब्लम हुआ, वो भी नई गाड़ी से आई थिंक अभी एवरेज बेटर हो रही है, बाकी सब कुछ परफेक्ट है मेरे ख्याल से गाड़ी में, कोई भी कंप्लेंट नहीं है अभी फिलहाल, बाकी सर्विस के बाद पता चले। हाँ अभी अभी लगभग ज़्यादा 350 किलोमीटर जैसी चली है तो अभी तक तो उस हिसाब से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, ये दो तीन प्रॉब्लम्स है। बाकी AC बहुत ज़बरदस्त है, AC मतलब एकदम कूलिंग मस्त करता है, कोई टेंशन नहीं है, और बाकी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, राइट? साउंड सिस्टम भी अच्छा है, साउंड सिस्टम में भी साउंड सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो भी हम आपको सुनाएंगे मतलब नेक्स्ट वीडियो में कभी फिर।